अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को कंपनी बाग से रैली निकाली गई। यह रैली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली। रैली कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाली गई, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक उपनिदेशक ऋषि राज सिंगल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष लतेश शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद भी सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। उनका यह भी कहना था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा सुराज संकल्प के तहत उन्हें नियमित करने की घोषणा की गई थी, इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा। सुराज भाजपा विकल्प 2013 में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इनको नियमित कर्मचारी करने का मान दिया, नियमित कर्मचारी रखने का घोषणा पत्र में रखा था कि इनको नियमित किया जाए, लेकिन आज 4 साल जीतने को आए और इनकी एक भी मांगों को पूरा नहीं किया। उधर शाहपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डाक बंगला परिसर में एकत्रित हुई। यहां से विशाल रैली निकाली गई, जो विराट नगर विधायक फूल चंद भिंडा के निवास स्थान पहुंची। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विधायक भिंडा ने आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके मांग पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की और समस्या के समाधान करवाने का आश्वासन दिया।